हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ गज़नफर अब्बास एंड आई एम फ्रॉम प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल, क्लास 9, मैथमेटिक्स, चैप्टर 12, थ्योरम 12.1.4। थ्योरम की स्टेटमेंट है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। कोई भी पॉइंट अगर आप बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर जब आप कोई पॉइंट लें तो उसके आर्म से क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल, हमने एक हमारे पास एक एंगल है, इस एंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज़ इसके ऊपर जब हम कोई पॉइंट लेंगे बाइसेक्टर, ये हमारे पास बाइसेक्टर है, इसके ऊपर जब हम कोई पॉइंट लें तो वो जो हमारे पास एंगल है उसकी आर्म से इक्विडिस्टेंट होगा। मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सो गिवन हमारे पास अ पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। हमने एक एंगल ले लिया ए ओ बी, ये हमारे पास एक एंगल है, इसको हमने बाइसेक्ट किया ओ एम से, ओ एम हमारे पास बाइसेक्टर है, इससे हमने एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट किया और इस बाइसेक्टर के ऊपर हमने एक पॉइंट पी ले लिया। सो प्रूफ हमने क्या करना है कि पी आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, मीन्स पी क्यू डिस्टेंस और पी आर डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। पी इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। सो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, ड्रा पी आर परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ बी। अब क्योंकि हमें पता है कि जो दो लाइन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट होता है, तो हम यहाँ पर ओ ए पर और ओ बी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं पी से, तो पी आर और पी क्यू हमारे पास ओ ए और ओ बी पर क्या हैं, दो परपेंडिकुलर हैं। सो नेक्स्ट प्रूफ, स्टेटमेंट्स और रीजन दें, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू इज़ कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ क्यू ये वाली ट्राइंगल और पी ओ आर ये वाली ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। इन दो ट्राइंगल्स में देखें, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, कॉन्ग्रुएंट जो होगा ओ पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी, रीज़न क्या होगी, कॉमन, क्योंकि ओ पी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है तो वो क्या होगा, कॉमन होगा। नेक्स्ट, एंगल पी क्यू ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ओ। कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में आए तो देखें हमने क्या कहा कि ड्रा पी आर परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी आर पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ बी, तो पी आर और पी क्यू जो है वो ओ बी और ओ ए पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है मीन्स दोनों का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, इस वजह से दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, एंगल पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ आर। अब इसकी रीज़न क्या हमारे पास गिवन है, क्योंकि एंगल पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सो एंगल पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ आर गिवन, क्योंकि जो हमारे पास एंगल पी ओ क्यू और पी ओ आर हैं वो एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास ओ एम है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी है, तो जो हमारे पास ये एंगल बन रहा था ए ओ बी, इसको जो ओ एम है वो बाइसेक्टर था, बाइसेक्ट कर रहा था, टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, तो ये हमारे पास पहले सी चीज़ गिवन है, ये जो एंगल है हमारे पास ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, क्योंकि बाइसेक्ट क्या हो गया एंगल है। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था, तो डेफिनेटली वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो तीनों चीज़ें प्रूव हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ आर, साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट था।
जो हमारे पास पी आर है वो कॉन्गेंट होगा पी क्यू के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्गेंट ट्राइंगल्स। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्गेंट हो गए हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्गेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पी क्यू और पी आर आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्गेंट हो जाएंगे। ये हमारे पास थ्योरम था 12.1.4। सो नेक्स्ट अब हम आते हैं थ्योरम 12.1.5 जो कि कन्वर्स है थ्योरम 12.1.4 जो कि अभी हमने थ्योरम पढ़ा। इसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। पिछले थ्योरम में हमारे पास क्या था कि अगर हम किसी भी बाइसेक्टर के ऊपर कोई एक पॉइंट लें, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट लें तो वो इसके आर्म से इक्विडिस्टेंट होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट के अपोजिट है, कह रहा है कि अगर आप कोई एंगल के इनसाइड आप अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम इट्स आर्म्स तो वो जो पॉइंट होगा वो बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो उस स्टेटमेंट का कन्वर्स हमारे पास यहाँ पर। सो गिवन हमारे पास एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इसके इनसाइड हमने एक पॉइंट पी ले लिया सच डैट पी जो कि ये पॉइंट जो है वो इस आर्म से इक्विडिस्टेंट है, तो यानी कि पी आर इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू। हमारे पास इस पॉइंट जो है वो जो हमारे पास आर्म्स है ओ बी और ओ ए से इक्विडिस्टेंट है, तो पी क्यू और पी आर आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है हमारे पास। वेयर पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी एंड पी आर परपेंडिकुलर टू ओ ए, ये परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट टू प्रूव पॉइंट पी इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, यही हमने प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी का जो बाइसेक्टर है वो जो पॉइंट पी है वो उस बाइसेक्टर के ऊपर होगा। नेक्स्ट आपने इस पॉइंट को कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है कि ज्वाइन पी टू ओ, पी को ओ से ज्वाइन कर देना है डॉटेड में क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे काम करें। नेक्स्ट प्रूफ ट्राई एंगल पी ओ क्यू इज कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्राई एंगल पी ओ आर, पी ओ क्यू और पी ओ आर ये दो ट्राइंगल्स बनी हमारे पास, इन दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करते हैं। इसमें एंगल पी क्यू ओ इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी आर ओ, पी क्यू ओ और पी आर ओ। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने गिवन में चीज़ हमारे पास है कि पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ओ पी एंड पी आर इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ए, तो परपेंडिकुलर हैं तो दोनों एंगल्स क्या होंगे हमारे पास, राइट एंगल होंगे। ये हमारे पास गिवन है कि राइट एंगल्स हैं दोनों, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट पी ओ इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी ओ कॉमन, क्योंकि ये पी ओ जो है ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, जिस वजह से ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पी क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी आर, ये हमारे पास गिवन था कि पी क्यू और पी आर हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। तो तीनों चीज़ें हो गई हैं, तो ट्राई एंगल पी ओ क्यू इज़ कॉरस्पॉन्ड इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राई एंगल पी ओ आर, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, हाइपोटेन्यूज साइड। नेक्स्ट हेंस ट्राई एंगल पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी ओ आर है हमारे पास, इस वजह से तीनों ट्राइंगल में तीनों चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। तो बाकी रिमेनिंग साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। हेंस एंगल पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी ओ आर, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, डैट इज़ पी इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो इस लिहाज से क्योंकि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो वो जो बाइसेक्टर था हमारे पास पी से जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो तक वो एक्चुअली क्या था, बाइसेक्टर था। तो ये पॉइंट है वो इस बाइसेक्टर के ऊपर ही होगा क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्वर्ट। जब ये दोनों एंगल्स कॉन्वर्ट हो गए हैं ये वाले एंगल्स, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है वो इस बाइसेक्टर के ऊपर है। ये था हमारे पास थ्योरम 12.1.5। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम आते हैं लास्ट थ्योरम चैप्टर 12 का 12.1.6। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स,
एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स होंगे वो किसी एक पॉइंट के ऊपर आके क्या कर रहे होंगे, मीट कर रहे होंगे। सो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट। इस तरह हमने पिछले एक थ्योरम किया था जिसमें क्या थे, साइड बाइसेक्टर्स थे वो क्या थे, कॉन्करेंट थे। इसी तरह अब जो एंगल्स बाइसेक्टर हैं वो भी क्या हैं, कॉन्करेंट होते हैं। सो गिवन ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, प्रूव हमने क्या करना है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट। एंगल ए बी और सी के जो बाइसेक्टर्स होंगे वो ट्राइंगल के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर आके क्या कर रहे होंगे, मीट कर रहे होंगे। जिस तरह कि हमने एक ट्राइंगल बनाई है ए बी सी, इसको हमने बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर किए हैं, तो वो एक पॉइंट आई के ऊपर आके क्या करें, मीट कर रहे हैं। इसी तरह ये हम प्रूव करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी के हमने एंगल बाइसेक्टर किए हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, और आई के ऊपर क्या करें, मीट करें। एंगल बी देखें, एंगल बी के ऊपर हमने क्या किया, बाइसेक्टर इसके किया, तो एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स जो वो होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी को अपने आई और इसी तरह सी को बाइसेक्ट किया, तो एंगल आई जो बाइसेक्टर है वो आई के ऊपर आके क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। सो ये हमने दो बाइसेक्टर ड्रा किए, एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए, और जो कि आई पॉइंट के ऊपर आके क्या करें, मीट करें। सो ड्रा फ्रॉम आई, ड्रा आई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड आई डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड आई ई परपेंडिकुलर टू सी ए। आई पॉइंट से आपने ए बी बी सी और सी सी ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, आई डी आई ई और आई एफ, ये हमने तीन परपेंडिकुलर ड्रा किए। सो नेक्स्ट प्रूफ, आई डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। अभी हमने थ्योरम फोर जो पढ़ा है उसमें हमने यही पढ़ा है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट लें तो वो उसके आर्म से इक्विडिस्टेंट होता है। तो आई डी इज इक्वल टू आई एफ, अब ये कौन सा है हमारे पास, एंगल जो बी है उसका बाइसेक्टर जो है इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर बी सी और आई ए डी के ऊपर ड्रा किया, तो आई डी जो होगा और आई एफ आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि आई एफ और आई डी क्या हैं, ए बी और बी सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और जो आई है पॉइंट वो एंगल ए बी सी का क्या है, बाइसेक्टर के ऊपर है। सो नेक्स्ट सिमिलरली आई डी इज इक्वल टू आई ई, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर ड्रा किए हैं, तो इसी तरह आई डी और आई एफ क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब एंगल सी पे आ जाएं तो आई डी और आई एफ क्या हो जाएंगे हमारे पास, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये आई डी और आई एफ ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि आई जो है वो एंगल सी का जो बाइसेक्टर है आई सी, इसके ऊपर हमारे पास पॉइंट आई है, तो आई ई और आई डी जो हैं ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब इन दोनों से देखें तो आई डी जो है वो कॉन्ग्रेंट है आई एफ के और आई डी कॉन्ग्रेंट है आई ई के, तो आई डी दोनों के कॉन्ग्रेंट है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि आई एफ और आई ई दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि आई डी जो है वो आई एफ और आई डी, आई एफ और आई ई दोनों के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आई ई और आई एफ भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि बोथ जो हैं वो आई डी के क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है। सो डैट इस तरह हम कह सकते हैं कि आई ई और आई एफ, अब ये कौन कौन से हमारे पास डिस्टेंसेज हैं, आई ई और आई एफ, तो ये परपेंडिकुलर, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो आई है वो एंगल जो है बाइसेक्टर है आई ए का। इस तरह हम कह सकते हैं कि सो जो आई है वो जो बाइसेक्टर होगा एंगल ए का, उसका भी क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा। सो द पॉइंट आई इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का जो बाइसेक्टर होगा ड्रा करेंगे वो जो आई होगा वो भी इस पॉइंट के उसी का बाइसेक्टर का पॉइंट हो जाएगा। आल्सो ऊपर हम कह चुके हैं कि आल्सो द पॉइंट आई इज़ आल्सो द पॉइंट, आल्सो द पॉइंट आई इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए। पहले इन दोनों का बाइसेक्टर एंगल बी और सी का भी पॉइंट था, इसी तरह अब हमने कह दिया कि वो एंगल ए के बाइसेक्टर का भी पॉइंट है, तो ये तीनों का बाइसेक्टर का पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, उन तीनों एंगल में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसी तरह दस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आर कॉन्करेंट एट पॉइंट आई, तो तीनों एंगल के जो बाइसेक्टर है वो पॉइंट आई के ऊपर आके क्या करते हैं, मीट करते हैं। ये था हमारे पास चैप्टर 12, इसके हमारे पास छः थ्योरम थे जो कि हमने वन बाई वन किए हैं।
इजी थ्योरम है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी हैं। इनमें से फाइनल में कोई एक थ्योरम लाजमन आता है। इस चैप्टर को अच्छी तरह तैयार करें ताकि आपको मज़ीद इससे अच्छे रिजल्ट मिल सकें, और इसको अच्छी तरह याद करके इन्हें बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि थ्योरम जो हैं वो प्रैक्टिस होते हैं। अगर प्रैक्टिस थ्योरम याद करें और उसके बाद उसे प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें, एक थ्योरम को 3 से 4 5 मरतबा लिखा करें ताकि आपके माइंड में स्टोर हो सके।